છે ટાઇટનના Q4ના પરિણામ આવ્યા હતા. દરેક મોર્ચે પરિણામ આપણને અનુમાનથી થોડાક નબળા રહેતા જોવા મળ્યા છે. ખાસ કરીને જ્વેલરી અને વોચ સેગમેન્ટના માર્જિનમાં ઘટાડો આવતા આપણે પરિણામ પર અસર જોવા મળી હતી. જોકે પરિણામ અંગે વધુ વાત કરવા આપણી સાથે અત્યારે ટાઇટનના CFO અશોક સંથાલિયા સાહેબ જોડાઈ ગયા છે. સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત સર CNBC બજાર મેં. ઓર સબસે પહેલે તો સર ધન્યવાદ કરના ચાહુંગા આપ હમારે સાથ જુડે. સર સબસે પહેલે યહી જાનના ચાહેંગે, દેખે બહોત ક્વાર્ટર થોડા સબડ્યુ રહા હૈ કુછ કુછ સેગમેન્ટ के लिहाज से, क्या असर आते हुए देखने को मिली? क्योंकि हमने देखा कि ये खास करके जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ पर भी एक थोड़ा अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन वॉचेस के अंदर थोड़ा मार्जिन में कमी आई है. क्या क्या कारण रहे इस सब के? नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार सबसे पहले, और धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने शो पर. आप अगर पूरे साल का परिणाम देखें तो ग्रोथ के हिसाब से क्वार्टर फोर एज वेल एज पूरा साल जो है वो काफी अच्छा रहा हमारे लिए, जबकि साल में काफी चैलेंजेस थे फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड एवरीथिंग एल्स. यू नो, हमने बात की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी ज्वेलरी सेगमेंट में काफी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो सब को देखते हुए हमें ग्रोथ का परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फाइंग रहा. मार्जिन पे क्वार्टर फोर में जरूर वॉच डिवीजन में मैं दोनों की बात करूंगा. ज्वेलरी में देखिए, जब गोल्ड प्राइसेस काफी तेजी से अचानक से बढ़ती हैं और वोलाटाइल रहती हैं तो थोड़ा कंज्यूमर सेंटिमेंट पे असर पड़ता है. लोग जो डेफर कर सकते हैं परचेज को वो करते हैं, और उसको उनको आकर्षित करने के लिए हमारी काफी कंज्यूमर ऑफर्स और गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम पे हम काफी वो देते हैं उस समय, और उसके चलते थोड़ा मार्जिन प्रेशर पड़ता है. एक बात और आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि जब FY23 से आप कंपेयर करते हैं FY24 या क्वार्टर फोर के मार्जिन को, तो FY23 में हमने हर बार कहा था कि हमें थोड़े वन ऑफ गेन्स हुए हैं उसके मार्जिन में. हमारे पास कस्टम ड्यूटीज के कुछ गेन थे और कुछ इन्वेंट्री गेन बैठे हुए थे. अगर उसको आप नॉर्मलाइज कर दें FY24 के हिसाब से तो 30 से 40 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ा है, और उसका रीजन गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी, गोल्ड प्राइस इंक्रीज एंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रही है. वॉच बिजनेस की अगर बात करें तो वॉच बिजनेस में जो एनालॉग सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है, वो काफी अच्छा कर रहा है. उसके मार्जिन पे भी कोई असर नहीं है. प्रीमियमाइजेशन की जो जर्नी है वो अच्छी चल रही है. उसके जो एंट्री पॉइंट सेगमेंट है जहाँ पे फास्ट ट्रैक एंड सोनाटा काम है हमारे ब्रांड, वहां पे जरूर थोड़ा सा स्ट्रेस है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज वेल एज मार्जिन. जहां पे ज्यादा मार्जिन, जो कि अभी 12-13% हमारे बिजनेस का हो गया है स्मार्ट वॉच, वहां पे मार्जिन का काफी प्रेशर रहा. पूरे इंडस्ट्री में प्रेशर रहा क्योंकि काफी इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया है वहां पे, और लोग काफी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो हमारा भी जो वो 12-13% का सेगमेंट है वहां पे मार्जिन का काफी प्रेशर रहा है. लेकिन आगे अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ये 8.5% से हम अब आगे उन्नति ही करेंगे, वापस 12% की तरफ FY25 में जाने का कोशिश करेंगे या उससे भी ऊपर जाने का कोशिश करेंगे. ये अभी की स्थिति है. એટલે જો અહીંયા ખાસ કરીને જે પ્રકારે સ્પર્ધાત્મકતા વધી રહી છે અને સોનાના ભાવ છે એ બધાની અસર અહીંયાથી Q4 પર ખાસ જોવા મળી છે. લેકિન અશોકજી આપસે એ ભી સમજના ચાહેંગે, દેખીએ એપ્રિલ મે કા મહિના અભી તક કૈસા રહા હૈ, ક્યુંકિ એ એક એસા ટાઈમ હૈ જહાં પર થોડી વેડિંગ સીઝન ભી ચલ રહી હૈ, અક્ષય તૃતીયા ભી આને વાલી હૈ, તો યહાં પર આપ ક્યા એક્સપેક્ટેશન લેકે ચલ રહે હૈ? તો અક્ષય તૃતીયા કો લેકે હમ કાફી ઉત્સાહિત હૈ, और अक्षय तृतीया का जो ऑफर है वो 2 दिन पहले से शुरू हुआ है. आई थिंक 2 मई से शुरू हुआ है, और शुरुआती 2-3 दिन के परिणाम अच्छे हैं, कस्टमर आ रहे हैं. अप्रैल महीने की जहां तक सवाल है, इस बार वेडिंग डेट्स कम थी कंपेयर टू लास्ट ईयर या जो नॉर्मल सीजन होता है, और गोल्ड प्राइस काफी ऊपर नीचे हो रहे थे अप्रैल में, तो अप्रैल का जो शुरुआती महीना है वो सामान्य रहा होगा, सामान्य रहा मतलब. बट मई की शुरुआत अच्छी हुई है और हम सोचते हैं अक्षय तृतीया पे फिर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा.
जी सर, जैसे आपने भी बात की थोड़े जो गोल्ड के प्राइसेज है वहाँ पर थोड़े हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। वॉचेस सेगमेंट की आपने थोड़ी देर पहले बात की कि वहाँ पर इन्वेंटरी बिल्टअप और डिस्काउंटिंग थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ से ये भी समझना चाहेंगे कि FY25 के लिए आप यहाँ से क्या टारगेट लेके चल रहे हैं। हर एक सेगमेंट के अंदर कहाँ पर आप अच्छे टारगेट करेंगे कस्टमर्स को ज़्यादा एक्वायर करने के लिए? तो देखिए, हम हर कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी काफ़ी देख रहे हैं। मार्केट शेयर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक्सेप्ट एनालॉग वॉचेस जहाँ पे हम डोमिनेंट प्लेयर हैं, बाकी सब कैटेगरी में हमारा मार्केट शेयर सिंगल डिजिट में है। तो अपॉर्चुनिटी मार्केट शेयर ग्रोथ की है। हर बिजनेस की जो टीम है वो कैटेगरी में अपना उनका बड़ा प्लान है ग्रोथ का। आई केयर में भी हमने कुछ स्टेप्स लिए थे Q4 में, जिसका अच्छा परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। काफी नए कस्टमर्स आ रहे हैं। ज्वेलरी में भी अगर आपने देखा होगा, Q4 में 54% कंट्रीब्यूशन हमको नए कस्टमर से आया, जो कि पहले के क्वार्टर में 48-46% रहा करता था। सो ऑल इन ऑल, मार्केट शेयर गेन का लक्ष्य है, ग्रोथ का लक्ष्य है, एंड मार्जिन को स्टेबल तरीके से डिलीवर करने का लक्ष्य है। जहां तक एग्जैक्ट टारगेट्स की बात है, FY27 का हमने टारगेट दिया था ज्वेलरी का, कि हम FY22 की तुलना में 2.5 गुना हमारा ज्वेलरी का बिजनेस हो जाएगा, और उस टारगेट पे हम काफी अच्छा चल रहे हैं। एक्चुअली पहले 2 साल तो हमारी रन रेट से हम ज्यादा रफ्तार से चल रहे हैं, तो हम उस टारगेट पे अभी भी काफी कॉन्फिडेंट हैं और कायम, और उसके लिए काम कर रहे हैं। सर, थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे, देखिए आपने कहा है कि आप अपनी फुटप्रिंट FY25 के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। टाइटन के शोरूम्स को लेकर यही सवाल रहेगा कि कितने स्टोर नए भारत में और इंटरनेशनली आप अभी प्लान करके चल रहे हैं नए स्टोर एडिशन का? ज्वेलरी का इंटरनेशनल फोरे काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी हम इसके जो शुरुआती 2 साल के परफॉर्मेंस रहे हैं, कस्टमर ने खुली ओपन आर्म से हमारा स्वागत किया है। अभी 16 स्टोर हैं हमारे इंटरनेशनल ज्वेलरी स्टोर। मुझको लगता है अगले 12 महीनों में FY25 में 12 स्टोर कम से कम और बढ़ेंगे, तो 28 स्टोर पे हम पहुंच जाएंगे। एज फार एज इंडिया में तनिष्क का मामला है, तो 40 स्टोर जरूर जोड़ेंगे, और हम कई एग्जिस्टिंग स्टोर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि वो काउंट में नहीं आता है, बट रिटेल स्क्वायर फुट एरिया बढ़ता है उसके चलते। आप अगर FY24 में देखें तो तनिष्क ज्वेलरी में ऑलमोस्ट 20% रिटेल स्पेस हमने ऐड किया है। कैरेट लेन इस साल, पिछले साल 50 स्टोर उन्होंने जोड़े, अगले साल भी 40-45 स्टोर मैं सोचता हूँ वो जोड़ेंगे। सिमिलरली मिया एंड जोया में भी एडिशंस होंगे। सो वो ट्रेजेक्ट्री बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली आप अक्रॉस द ब्रांड, अक्रॉस द चैनल, वॉचेस, ज्वेलरी, आई केयर सबको मिला के देखें तो पिछले 3 साल में हमने 1,000 से ज्यादा स्टोर ऐड किए हैं। सो आज के दिन 3,000 से ऊपर स्टोर हैं टाइटन कंपनी के, उसमें से 1,000 स्टोर पिछले 3 साल में ऐड हुए हैं। सो उम्मीद, थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा एडजस्टमेंट जरूर करते हैं, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जाएं तो क्वालिटी, गुणवत्ता और लाइक टू लाइक शेयर सब में फर्क पड़ना पड़ता है। बट FY25 में हमारी सोच है कि हम मोमेंटम जारी रखेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए आपने भी हमें प्रेस रिलीज में भी बताया है कि गोल्ड कॉइन्ड और प्लेन ज्वेलरी के तरफ रुझान यहाँ पर लोगों का बढ़ते दिख रहा है, और जिस तरीके से सोने का भाव में हम इजाफा देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर होगा। लेकिन क्या स्टडेड का रेशियो यहाँ पर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूवमेंट स्टडेड के रेशियो में आपको देखने को मिलेगी? 33% है हमारा स्टडेड का रेशियो, जो कि स्टेबल है, ना बढ़ा ना घटा इस साल। सो उस हिसाब से आप देखें तो गोल्ड प्लेन का भी रेशियो मोर और लेस स्टेबल रहा है। Q4 में गोल्ड की ग्रोथ रेट थोड़ी सी ज्यादा थी स्टडेड से, मतलब बहुत ही मार्जिनली ज्यादा थी। अभी जो कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ पे गोल्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट में इंडियन कंज्यूमर का अभी भी बहुत रुझान रहता है, तो ये प्रेडिक्ट कर पाना कि स्टडेड का रेशियो बढ़ेगा कि नहीं, बहुत दिक्कत, मतलब आसान नहीं है। हमारे हिसाब से ये अगले 12-18 महीने में इसी रेशियो पे बना रहना चाहिए। हमने जो बोला है कि ये आउटकम होता है, हम इसको लेके स्ट्रैटेजाइज नहीं करते हैं। हर कैटेगरी की टीम अपना मैक्सिमम ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करती है, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट जो आता है तब हमको पता चलता है क्या रेशियो रहा। बट या बहुत ज़्यादा कोई इसमें बढ़ाव घटाव की उम्मीद हमको नहीं है।
जी सर, इसी बात पे सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्ट्रेटजी हमारे सामने रखी है, और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा रखते हैं कि अगले क्वार्टर के नंबर के बाद भी हम ऐसे ही सर बात कर पाएंगे। जरूर जरूर, नमस्कार।